हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र शर्मा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं जो आपकी जिंदगी में सफलता दिलाने के लिए आपको एक रास्ते की तरह, एक वे की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। वो एक रास्ता दिखाएगा आपको। मैं आध्यात्मिकता से आपको जोड़ने की तरफ चल रहा हूँ आज, और उस टॉपिक का जो शीर्षक है कि हनुमान से सीखे सफलता का राज। जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का जो है शीर्षक हम लोग बात करें तो वो ये है कि हनुमान जी से हम लोग किस तरह से सफलता का राज सीख सकते हैं। आपको याद होगा, हम लोग जब जब भी सफल होते हैं, हमारे बीच सफलताएं जब जब भी हमारे बीच आने को तैयार होती है, उस टाइम असफलताएं सबसे पहले हमारे आंगन में डेरा डालती है। जैसे एज ए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, जब जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी लाइफ में अंधेरा हो चुका है, आपने देखा होगा हम रात में 8 बजे हुए, रात को 8 बजे हुए उस टाइम कम अंधेरा होगा, रात को 10 बज गए उस टाइम कम अंधेरा होगा, रात को 12 बज गए उस टाइम थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा होगा, रात को 2 बज गए उस टाइम घनघोर अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि आपको बाहर निकलने से भी डर लगने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बाहर निकलने से भी डर लगने लगेगा। और उस डर को अगर आपने बनाए रखा, उस डर से आप हारे नहीं, और अपने आप को उस जगह पे ये सोच के बनाए रखा कि सुबह होने वाली है और आपकी जिंदगी की सुबह भी अगर आपने ये सोच के बनाए रखी कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है और मेरी जिंदगी की सुबह भी अब जल्दी ही होने वाली है, तो फ्रेंड्स वो टाइम भी दूर नहीं जब सुबह के 4 बजे होंगे और सूर्य की पहली किरण आपको नजर आ जाएगी और सवेरा आपको हो जाएगा। यही आपकी सफलता का राज है माय डियर फ्रेंड्स, यही आपकी सफलता का राज है। आपको कुछ नहीं करना, अब आपकी लाइफ में घनघोर अंधेरा है, आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ में समस्याओं ने डेरा डाल दिया है, तो अपने दिमाग में एक चीज बना के चलिए, एक चीज हमेशा बना के चलिए, जितनी ज्यादा समस्याएं आ रही है मतलब उतना ही ज्यादा अंधेरा हो रहा है, तो एक चीज अपने माइंड में आप बिठा लीजिए कि आपका सूर्य उदय होने वाला है, मतलब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा आध्यात्मिक तरफ। हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाया और वो किस तरह से आज लोक देवता बनकर हमारे बीच बन रहे हुए हैं। उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को इतना प्रबल बना दिया कि वो भगवान बन गए हमारे बीच में। जब हनुमान जी बचपन में छोटे थे तो वो काफी उद्दंडी थे, काफी जो है चंचल थे, और उस चंचलता के कारण उनको श्राप दिया गया था कि जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा, किसी तरह से आपको याद नहीं दिलाया जाएगा, तब तक आपकी शक्तियों को आप भूल चुके होंगे। और वो भूलने के कारण वो अपनी शक्तियों को खो चुके थे, अपनी ताकत को खो चुके थे। इसी तरह से आपके अंदर भी अनेकों शक्तियां विद्यमान है, एक इंसान के अंदर हजारों शक्तियां विद्यमान है, आपके अंदर हर शक्ति विद्यमान है जिससे आप सक्सेसफुल हो चुके हो। आप भी उन शक्तियों को भूल चुके हो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी उन शक्तियों को भूल चुके हो। और जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए जब उन शक्तियों को याद दिलाया गया था, तो वो अपना योग, अपना जो 16 योजन का था, 16 योजन का जो समुद्र था, उस 16 योजन के समुद्र को खुद ने 32 योजन का बनाकर समुद्र को ला लिया था। इतने पावरफुल वो हो चुके थे, और आप में भी ऐसी शक्तियां विद्यमान है। बस शर्त और शर्त ये है, कमी और कमी आपके अंदर ये है कि आप उन शक्तियों को याद नहीं कर पाए, आप उन शक्तियों को भूल कर बैठे हुए हो, और फिर सीधे सीधे अर्थों में सबके सामने ये कह देते हो कि मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। काफी सारी हम लोग अपनी समस्याएं लोगों के सामने रख देते हैं, इसलिए अपनी समस्याओं का दुखड़ा लोगों के सामने ना रोए माय डियर फ्रेंड्स, और अपने आप को खुद को स्वयं को जानने की कोशिश करें, खुद की शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करें। आप बहुत पावरफुल इंसान है। जिस तरह से हनुमान जी ने अपने आप को पहचान के, अपनी शक्तियों को पहचान के, और इतना बड़ा समुद्र जो है उसे डबल आकार बना के ला लिया था और माँ सीता का पता लगा दिया था, इसी तरह से आप भी अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। इसलिए आप हनुमान जी से इस चीज को सीखने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स। आपको याद होगा चाणक्य जी ने जो मगध नरेश थे, उनको सीधे सीधे अर्थों में जब उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, तो उन्होंने उनको चैलेंज किया था कि ये ब्राह्मण जब तक अपनी सीता को नहीं
नहीं मानेगा जब तक तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करके एक नया साम्राज्य नहीं बना दे, क्योंकि चाणक्य चाहते थे अखंड साम्राज्य की स्थापना करना, और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि सिकंदर इंडिया पे आक्रमण करने के लिए आने ही वाला था, और उन्होंने उस कार्य के लिए मेहनत की, कर्म किया, तल्लीनता से लगे, और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। जब एक इंसान छोटी सी जगह से उठकर और वो जो है एक अखंड भारत का सम्राट बन सकता है, तो आप भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा एक छोटा सा इंसान जेक मा का आपने नाम सुना होगा, जो आज चीन के अंदर सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में उभर के आ रहे हैं, और वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी खासी अपने बिजनेस के लेकर वो खड़े हुए हैं, और amazon.com आपने सुन लो कि माय डियर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं जेक मा की। उन्होंने एक गरीब परिस्थिति में अपना बचपन गुजारा, गरीब परिस्थितियों में काम किया, गरीब परिवार में जन्मे, गरीब परिस्थितियों से लड़े, और आज वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में वो आते हैं, amazon.com के फाउंडर जेक मा जी। उसके अलावा हम लोग किस किस लोगों की मैं आपको बात सुनाऊं, हमारे भारतीय मूल के जो रहे हैं धीरूभाई अंबानी की हम लोग बात करें, माय डियर फ्रेंड 10वीं फेल इंसान थे, आप तो फिर भी 12th पास होंगे, आप तो फिर भी ग्रेजुएट होंगे, आप तो फिर भी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, और पता नहीं क्या क्या डिग्री आपने की होगी। उस 10वीं पास इंसान ने, उस 10वीं फेल इंसान ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या कर गया। उसी धीरूभाई अंबानी के पास में कुछ नहीं था, गरीब परिवार में जन्मा, गरीब परिवार में रहा और गरीब लोगों के बीच रहा, लेकिन एक दिन अपने गांव से निकल गया और गांव से कह के गया कि मैं इसी गांव में तब कदम रखूंगा जब कुछ बन के दिखाऊंगा। और वही इंसान वही धीरूभाई अंबानी एक दिन जब वो एक्सपायर हुआ तो 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरा, जिस जियो को आज आप जानते हैं मुकेश अंबानी के द्वारा, जिस अनिल अंबानी को जानते हैं उस कंपनी को बनाने वाले मिस्टर धीरूभाई अंबानी, आई सैल्यूट, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे भारत के युवाओं को लिए एक नई प्रेरणा स्रोत वो बने। आपने सुना होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम, किन किन लोगों के आपके सामने नाम लूं माय डियर फ्रेंड्स, किन किन लोगों के आपके नाम लूं, अनेकों हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइफ में कुछ नहीं था लेकिन आज उनके पास सब कुछ है, वो सक्सेसफुल पर्सन है। हाँ ये है कि समस्याएं आपके बीच आएगी, अगर आप लाइफ में कुछ खड़ा करना चाहते हैं तो आपके बीच समस्याएं आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा सवेरा होगा उतनी ज्यादा रात आपको देखनी ही देखनी पड़ेगी। अगर रात आपकी लाइफ में है तो समझ जाओ आपकी जिंदगी में सवेरा होने वाला है, आपका सूर्योदय होने वाला है, आपकी लाइफ का सूर्योदय होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में जो भी करो हमारी लाइफ में दो पार्ट होते हैं, एक लाइफ का भाग्य और एक होता है पुरुषार्थ कह सकते हैं हम लोग कर्म को, एक होता है भाग्य। जो भी करो उसको तल्लीनता से करो, 101% पूरी ताकत उसके अंदर छोड़ दो, पूरी एनर्जी आप उसके अंदर लगा दो, और उसके फल की इच्छा नहीं करो, उस फल को परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो है आपका भाग्य। अगर आपने पूरी तल्लीनता से पूरी ताकत से मेहनत की है, पूरी तल्लीनता से आपने मेहनत की है, तो आपका भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता, आपका भाग्य उदय से कोई रोक नहीं सकता, उस परमात्मा को आपको देना ही देना पड़ेगा। इसलिए टेंशन सिर्फ एक ही चीज की है माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन कोई नहीं है, टेंशन एक ही चीज की है, इंसान सिर्फ और सिर्फ फल के बारे में सोचता है, फल के बारे में विचार करता है, आज से आप फल के बारे में सोचना बंद कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कर्म पे फोकस कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस काम को कर रहे हैं और किस काम को करने से क्या होगा। आज इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को, आप अपने अंदर से वो चीज निकालने की कोशिश कीजिए जिसके लिए आप बने हुए हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ऐसा कहा गया है अध्यात्मों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 94 चीजें इंसान को भगवान ने दी है, लेकिन जो 6 चीजें हैं भगवान ने खुद के पास रखी है, और वो चीजें क्या है, रामायण में लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये 6 चीजें भगवान के पास है, एक तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें हानि होना या लाभ होना, एक आप कोई भी काम कर रहे हो हानि लाभ जीवन मरण आपका जीना और मरना, और यस और जस और अपजस विधिहार, मतलब आपको एक तो कोई भी इंसान आते ही आपके चरण स्पर्श करे और एक आते ही आपको गाली निकाले माय डियर फ्रेंड्स, और इन 6 चीजों की टेंशन में ही हम लोग पूरी की पूरी टेंशन लेके बैठे हुए। जब आपके हाथ में ये चीजें है ही नहीं 6 चीजें, तो किस बात की टेंशन माय डियर।
सभी टेंशनों को आप भूल जाइए, सभी टेंशन को अपने माइंड से निकाल दीजिए और इन छह चीजों को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के बाकी के प्रोसेस छोड़ दीजिए, अपने कर्म को तल्लीनता से कीजिए। जिस तरह से हनुमान जी ने अपने कर्म को तल्लीनता से किया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं मां सीता का पता नहीं लगाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, अब मैं पता लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा, कैसे क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही चीज की थी, वो वहां से उन्होंने उड़ान भरी और मां सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई दिनों तक, कई महीनों तक उन्होंने मां सीता को ढूंढा और ढूंढने के बाद अंत तक उनको पता लग ही गया और भगवान राम ने रावण को मार के सीता जी को घर पे ले गया। कहने का मतलब एक ही है माय डियर फ्रेंड, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो भाग्य और पुरुषार्थ को अलग अलग कर दीजिए। हम लोग इन सबको एक साथ एक ही वे पे लेके चल रहे हैं और इस बीच हम लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ कर्म के बारे में, मुझे क्या करना है इस टाइम, मुझे क्या करना है इस घंटे, मुझे क्या करना है इस मिनट, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये सोचिए माय डियर फ्रेंड्स। आप ये नहीं सोचिए कि आपको इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फल नहीं मिला तो एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को अगर आपने अच्छे से किया, उस एक्सपीरियंस को आपने उन गलतियों को वापस ही सुधारा तो एक दिन सफलता आपको भी मिलेगी। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में सफल लोग हुए हैं वो माय डियर फ्रेंड्स असफल जरूर हुए हैं। अगर आप असफल नहीं हो सकते हैं, अगर आप असफल नहीं हो सकते हैं तो आप सफल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता को पाने के लिए आपको असफल होना ही पड़ेगा। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आपको, संघर्षों से मत घबराना दोस्त, संघर्षों से मत घबराना दोस्त, संघर्ष किए बिना जय जयकार नहीं होती, संघर्षों से मत घबराना दोस्त, संघर्ष किए बिना जय जयकार नहीं होती। तू पथ का साथी है, तू पथ का साथी है, पथ पर चल मेरे दोस्त, तू पथ का साथी है, पथ पर चल मेरे दोस्त, खुदा तुझे देने को एक दिन मजबूर जरूर होगा, खुदा तुझे देने को एक दिन मजबूर होगा। जय हिंद जय भारत। के मिनट को गए, 12 मिनट को गए।